हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वीडियो सीरीज के पार्ट नंबर 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 6 में हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन टी से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई फंक्शन टी से डिवाइड किया हुआ है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो देखेंगे आज इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सोचो कि कोई फंक्शन है, इफ द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, कोई एफ टी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है जो क्या हो रहा होता है एफ ऑफ एस, देन द लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी, मतलब कि उस फंक्शन को मैंने टी से डिवाइड किया तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं कैसे दे सकता हूँ। इस थ्योरम के हिसाब से इंटीग्रेशन लेना होगा एस से इन्फाइनेट। किससे? एस से इन्फाइनेट। किसका इंटीग्रेशन? एफ ऑफ एस इंटू डी एस, मतलब कि जो हमारा मेन फंक्शन था उसका लाप्लास मुझे पता फाइंड किया, उस लाप्लास का यदि वो फंक्शन टी से डिवाइड किया हो तो उस जो फंक्शन आया लाप्लास का, तो उस लाप्लास को मुझे इंटीग्रेशन करना होगा किससे? एस से इन्फिनेट तक। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्रूफ, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, डेफिनेशन के हिसाब से जीरो से इन्फिनेट, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एस, क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ले रहे हैं बोथ साइड। सो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं बोथ साइड। लिमिट क्या रखेंगे? फ्रॉम एस टू इन्फाइनिट। ओके, तो क्या आएगा? इस तरफ एस से इन्फिनेट एफ ऑफ एस इंटू डी एस। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा? ये फंक्शन था, सो एस से इन्फिनेट फंक्शन था जीरो से इन्फिनेट, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी और डी एस। ठीक है, क्या किया हमने? इंटीग्रेशन किया बोथ साइड एस से इन्फिनेट तक। अब यहाँ पे एस और टी जो है दोनों, वो दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कि पहले हम एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो इसको जीरो से इन्फिनिट बाहर लिखते हैं, पहले लिखते हैं एस से इन्फिनिट, क्योंकि सबसे पहले हम एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो ई माइनस एस टी ओके एफ ऑफ टी डी एस डी टी। ओके, ये समझ में आ गया। अब इंटीग्रेशन लेते हैं तो यहाँ पे एस के रिस्पेक्ट में जब लेंगे तो एफ टी तो कांस्टेंट हो जाएगा वो फंक्शन जो होगा वो। ठीक है, सो जीरो से इन्फिनिट ई माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस टी था उसका भी डिफरेंशियल लेना होगा, तो क्या होता है? टी होगा, सो माइनस टी एफ टी को हम बाहर ही लिख लेते हैं, एफ टी डी टी। लिमिट क्या होगी? एस से इन्फाइनेट तक। ओके, सो जीरो से इन्फाइनेट, पहले इन्फाइनेट लिख लेते हैं, सो एस की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे इन्फाइनेट लिखना है, तो ई माइनस इन्फाइनेट इंटू टी डिवाइडेड बाई माइनस टी, यहाँ पे माइनस एस लिखना है, एस की जगह पे एस, सो माइनस ई माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस टी। ओके, एस की जगह पे ही हमें एस लिखना है और एक बार एस की जगह पे इन्फाइनेट लिखना है, बचेगा क्या? एफ टी इंटू डी टी। सो नाउ चलिए आगे जाते हैं, जीरो से इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट था मतलब ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, सो और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, सो ई माइनस एस टी डिवाइडेड बाई टी, बचा गया एफ ऑफ टी इंटू डी टी बचा है। ठीक है, फिर जीरो से इन्फाइनिट ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी इंटू डी टी। अब देखो ये क्या लग रहा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किसी फंक्शन का, किस फंक्शन का? एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी का। ठीक है, डेफिनेशन के हिसाब से जैसे कि एफ टी का लाप्लास क्या होता था? जीरो से इन्फाइनिट ई माइनस एस टी एफ टू इंटू डी टी। इसी तरीके जीरो से इन्फाइनिट लिमिट भी है, ई माइनस एस टी भी है और एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी क्या हुआ है, तो इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू,
यहाँ पे हमने क्या लिखा था, इंटीग्रेशन लिखा था, सो जीरो से इन्फिनिट, सॉरी एस से इन्फिनिट आएगा, ठीक है, एस से इन्फिनिट एफ ऑफ एस इंटू डी एस। तो फिर से बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है कि एफ टी को टी से डिवाइड क्यों हुआ था और इसका बोला कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले फंक्शन एफ टी का लाप्लास फाइंड करेंगे और उस जो लाप्लास आएगा उस लाप्लास का हम इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। लिमिट क्या होगी, एस से इनफाइनाइट, ठीक है, लिमिट आपको याद रखनी कितनी होगी, एस से इनफाइनाइट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। प्रॉब्लम है कि फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन टू टी डिवाइडेड बाय टी, ओके, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। यदि आपको ऐसे देता है तो भी समझ में आना चाहिए, ठीक है, कि हमें डिवीजन वाला रूल यूज करना है, टी माइनस वन साइन टू टी, इसका बोलता तो क्या करते आप, लाप्लास फाइंड करना है। तो ये दोनों सेम ही है भाई, याद रखो, ठीक है, ये भी टी की पावर कितनी है, माइनस वन, तो ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो टी, दोनों सेम ही है। कन्फ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं। आपको याद रखना है कि डिवाइडेड बाय टी तो होना चाहिए, ये डिवीजन वाला रूल यूज करना है तो डिवीजन में टी तो होना चाहिए लेकिन उसकी पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। यदि टी मल्टीप्लीकेशन में है तो उसकी पावर पॉजिटिव होगी, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है, जो क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म इफ द फंक्शन इज मल्टीप्लाई बाय टी, ओके। तो इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है जो फंक्शन है वो टी से डिवाइड किया हुआ है। तो जिससे डिवाइड किया हुआ, टी से डिवाइड किया हुआ, तो उसको भूल जाओ क्योंकि उसके लिए हमारे पास रूल है, ये अभी जो हमने रूल देखा इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो हमारे पास रूल है, तो इसको भूल जाओ, बाकी जो बचा वो आपका फंक्शन। तो हमारा फंक्शन होगा साइन टू टी, ओके। सो फर्स्ट फाइंड द लाप्लास ऑफ साइन टू टी, क्योंकि डिवाइडेड बाय टी है उसका, तो हमारे पास रूल है किस तरीके से फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे लाप्लास ऑफ साइन टू टी, सो टू टू स्क्वायर मतलब फोर प्लस एस स्क्वायर हो गया, ओके। उसके बाद लाप्लास ऑफ साइन टू टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम द एस टू इन्फिनिट लाप्लास ऑफ साइन टू टी इंटू डी एस, ओके। सो जीरो से इन्फाइनिट, सॉरी एस से इन्फाइनिट साइन टू टी का लाप्लास क्या होगा, टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर डी एस, ओके। सो टू को बाहर निकाल देते हैं, टी और टू, जीरो से इन्फाइनिट वन प्लस एस स्क्वायर प्लस फोर डी एस। अब यहाँ पे क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन, सॉरी टेन इनवर्स, आपको पता होगा कि यदि इंटीग्रेशन में वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो इसका क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ए इज इक्वल टू टू आएगा, सो टू, सॉरी ये तो टू बाहर रहेगा, वन अपॉन टू टेन इनवर्स एस डिवाइडेड बाय टू, लिमिट सॉरी फिर से एस से इन्फाइनिट, सो ये टू टू तो कैंसिल, यहाँ पे बचा टेन इनवर्स एस बाय टू और हमें लिमिट लेनी है एस से इन्फाइनिट तक। एक बार इन्फाइनिट लिखेंगे तो टेन इनवर्स इन्फाइनिट बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस बाय टू, टेन इनवर्स इन्फाइनिट होता है पाई बाय टू, सो पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस बाय टू। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरीके से, पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एस बाय टू मतलब कॉट इनवर्स एस बाय टू, ओके। आपको पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू होता है, आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ गया, ठीक है, तो पाई बाय टू माइनस इक्वल होगा तो कॉट इनवर्स हम लिख सकते हैं। इसको आप इस तरीके भी लिख सकते हो कि टेन इनवर्स, इसको ऊपर नीचे कर दो तो टू बाय एस, ओके। तो ये होगा इसका आंसर। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये फंक्शन जो है वो टी से डिवाइड किया हुआ था, तो इससे मैंने पहले जो टी डिवाइड में था उसको निकाल दो, जो बचा उस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना था। तो साइन टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड किया तो आया टू डिवाइडेड बाय फोर प्लस एस स्क्वायर। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है, साइन टू टी डिवाइडेड बाय टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला रूल, एस से इन्फाइनिट, याद रखना लिमिट कितनी, एस से इन्फाइनिट, और किसका इंटीग्रेशन करना होगा, साइन टू टी का जो लाप्लास आया उसका। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व
कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। दो रूल है, डिवीजन बाय टी और मल्टीप्लीकेशन बाय टी। डिवीजन वाला हो तो ये रूल यूज करना है, डिवीजन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन आपको करना है, और मल्टीपल टी है, टी मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है, तो आपको डिफरेंशिएशन वाला जो रूल है वो यूज करना है। प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ। इस वीडियो को आपने देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।